नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर चुके थे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को देख चुके थे। अब बात करने वाले हैं हम लोग UN के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो याद रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और याद रखना, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं। याद रखना, 24 अक्टूबर को जब स्थापना हुई तो 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, फिर 26 जून 1945 को 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 51वां देश पोलैंड था। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में। ठीक है, फिर बात करते हैं 193 इसके देश सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको पता होगा, न्यूयॉर्क में है, और इसके दो निरीक्षक देश भी हैं। ठीक है, यूएन मिशन कार्य तो इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुरक्षाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार, विश्व शांति के लिए ये स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य यही है। ठीक, और आपको बता दें, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। कितनी? 6 हैं। याद रखना, कौन कौन सी? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इसके सेक्रेटरी कौन है? अभी वर्तमान में 20 की बात कर रहा हूँ, 2020। तो याद रखना, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, एक बात और यहाँ बता दें आपको, अटल भारत के अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएन में 1977 में। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बात करते हैं हम लोग, प्रमुख भाग देखते हैं इसके। ठीक है, प्रमुख भाग तो इसमें महासभा है, मुख्य प्रतिनिधि अंग है ये यूएन का, विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है महासभा। यूएन के सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, यूएन के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रति वर्ष इसका सम्मेलन सितंबर माह में होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन और बजट बहुमत से निर्णय लेता है। ठीक है, ये सभी इसके कार्य और अंग। फिर बात करते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद, दूसरा इसका भाग है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। इसके सभी सदस्यों के लिए एक बोर्ड निर्धारित होता है, निर्णय सभी सदस्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, इसमें कुल सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? 5 स्थायी हैं। स्थायी में कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। याद रखना, चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार क्या होता है? अगर 4 किसी निर्णय के पक्ष में है और कोई एक भी इस निर्णय के पक्ष में नहीं है तो उस निर्णय को लागू नहीं होगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। याद रखना, अगर एक भी सदस्य विपक्ष में रहता है तो निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसे वीटो का अधिकार है। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। इसका कार्य नीति समीक्षा और नीति वर्ता के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करना इसका प्रमुख कार्य है। विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन करना, इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं। ठीक, सतत विकास केंद्रीय मंच है इसका। स्थायी सदस्य 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना,
इसका कार्यों में बात करें तो आयोगों, स्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं के माध्यम से होता है। फिर है हमारा न्याय परिषद। न्याय परिषद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से ये बनकर मिला है, ठीक है, बना है 5 स्थायी सदस्यों से। विकसित देशों, कुछ विकासशील देशों की सहायता के लिए सलाह दी जाती है, ठीक है। ट्रस्टीशिप सिस्टम, ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी रखता है। ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना करना। पलायु द्वीप अमेरिका में इसके स्वतंत्र होने के बाद इसका कार्य समाप्त हो गया है, ठीक है। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का ये प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। इसका मुख्यालय कहाँ है? पीस पोलैंड, पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में, द पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, ठीक है। कानूनी प्रश्नों पर यूएन को सलाह देता है, ठीक है। फिर सचिवालय, यूएन के प्रतिदिन के कार्यों का को निपटाना इसका कार्य है सचिवालय का। इसका सचिव होता है, महासचिव इसका प्रमुख होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यूएन के कार्यों की बात करें संयुक्त राष्ट्र के, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका कार्य, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना इसका कार्य, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। अब यूएन के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें, यूएन के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय नैरोबी केन्या में है, आदिस अबाबा इथोपिया में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, सैंटियागो चिली में है, बैंकॉक थाईलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वेना ऑस्ट्रिया में है, द हेग नीदरलैंड, बेरूत लेबनान, ठीक है। इसके ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक। तो ये था हमारा यूएन। आगे बात करेंगे हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है।